आज हम आ गए हैं एमपी आरपीएससी अड्डा एमपी टैक्सेशन असिस्टेंट के एग्जाम सेंटर पे। तो अभी थोड़ी देर में एग्जाम खत्म होने वाली है, फिर जानेंगे बच्चों से कि कैसे रहे उनके एग्जाम्स और क्या है पेपर का लेवल। स्टार्ट स्टार्ट। पेपर का लेवल कैसा लगा आपको? टफ नहीं था, मॉडरेट था। आप कितने समय से प्रिपरेशन कर रहे हो? स्टडी कर रहा था। हाँ नहीं, तो भी हमें 2 महीना 3 महीना दूसरे बच्चों को अगर प्रिपेयर करना हो तो कितना समय काफी है एग्जाम की प्रिपरेशन? मतलब पेपर टेक्निकल और कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा आते हैं। ओके। और जीके का पोर्शन कैसा रहता है? ओके, कैसा लगा पेपर का लेवल आपको? जीके ज़्यादा डिफिकल्ट था, मतलब कॉमर्स के और क्वेश्चन का लेवल कैसा था? मीन्स मॉडरेट लेवल का पेपर था। चलिए ओके, ऑल बेस्ट। तो यहाँ पे हमको विनोद जी मिल गए हैं जिन्होंने हमारे आरपीएससी अड्डा से प्रिपरेशन की है, तो आइए इनसे जानते हैं कैसा था पेपर का। इजी था पेपर, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं था, बिल्कुल ही मॉडरेट लेवल का। ये आप ज़रूर बताइए बच्चों, मैथ नहीं था तो इजी था, बिल्कुल ही इजी था। अच्छा, और जीके का पोर्शन कैसा था? ओके ओके, बाकी कॉमर्स का पोर्शन अगर बीकॉम की प्रिपरेशन अच्छी तो हो जाए। चलिए ठीक है, चलिए तो बताइए कैसा रहा पेपर का लेवल? मैडम पेपर का लेवल जो पार्ट फर्स्ट का था अप्रोक्सीमेट, इसीलिए आप चैलेंज कर सकते हैं पार्ट सेकेंड। अच्छा, मतलब अगर बच्चे कितने समय प्रिपरेशन करें तो एग्जाम निकालने के? दिसंबर 2020 में जब से किसी की तैयारी कर ली है मैं कहता हूँ निश्चित रूप से 100% होती है। अगर बच्चों ने बीकॉम अच्छे से पढ़ा है तो पेपर निकाल देंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली सब कुछ 1% जो सिलेबस दे रखा है ना उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया, बिल्कुल बहुत ईजी क्वेश्चन आए बेसिक बेसिक। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक और एम बी जी के लिए बहुत आसान। अच्छा, तो कुछ सलाह देना चाहते हैं तो बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे? बस यही सलाह है कि भैया ना तैयारी करते रहें, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। और अगर जिसने भी तैयारी की डेफिनेटली मान के चलिए 100% आपको क्या लगता है? मैंने 85% तो सिलेक्शन सेकेंड वाले में अटेंड किया है और 45 से 46 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वाले में अटेंड किए हैं। तो हमारे साथ पुष्पराज हैं जिन्होंने भी आरपीएससी अड्डा से प्रिपरेशन की थी। तो पुष्पराज कैसा रहा आपका पेपर? मैम पेपर तो अच्छा था, काफ़ी अच्छा था पेपर और इजी ही था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। मैथ्स भी अच्छे आए थे और जो 299 की सीरीज थी सर की उसमें काफ़ी ज़्यादा फंसा था, मतलब जो हमने आपको सीरीज प्रोवाइड की उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बैठे, काफ़ी ज़्यादा बैठा था। अच्छा, और जो मैराथन चली लास्ट में यूट्यूब पर उसका बेनिफिट मिला? लास्ट में जो मैराथन थी उससे भी काफ़ी अच्छा था। तो क्या लगता है कितने नंबर ले आएंगे? पेपर नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, माइनस मार्किंग है नहीं, फिर भी कितने क्वेश्चन किए आपने? फिर भी अटेम्प्ट तो पूरे किया है, फिर भी 30+ तो माइनस में डायरेक्ट क्या होता है। चलो ठीक है, आपको ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू थैंक यू।